कोरोना ने चारों तरफ कहर बरपाया हुआ है। इतना ही नहीं, शव जलाने तक की जगह शमशान घाटों और कब्रिस्तानों तक में नहीं है। वहीं यूपी के कई जिलों में नदियों में शव बहाए जाने के बाद अब उन्नाव से भी खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। उन्नाव में गंगा नदी के किनारे रेत में कई शव दफन दिखाई दिए। शव मिलने की सूचना के बाद प्रशासन की टीम यहां पहुंची। इस घटना को लेकर जिलाधिकारी ने कहा कि हमारी टीम को गंगा नदी से दूर रेत में कई शव दफन मिले हैं, अभी और शवों की तलाश की जा रही है, ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर मंगलवार रात बलिया में गंगा नदी के तटवर्ती इलाकों से 7 और शव मिले हैं। इसके साथ ही नदी से निकाले गए शवों की कुल संख्या 52 हो गई है। एक अधिकारी ने बताया कि नदी में मिल रहे शवों के कोविड संक्रमित होने की आशंका के मद्देनजर तटवर्ती इलाकों में संक्रामक रोग के प्रसार को रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से शवों का तत्काल अंतिम संस्कार करवाया जा रहा है। नदियों में सैकड़ों शव मिलने की घटना पर सीएम योगी लगातार संज्ञान ले रहे हैं। सीएम ने कहा कि अंत्येष्टि की क्रिया मृतक की धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप सम्मान के साथ की जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी मृतक की अंत्येष्टि के लिए जल प्रवाह की प्रक्रिया पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। अंत्येष्टि क्रिया को सुचारू रूप से सम्पन्न कराने के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से आवश्यक वित्तीय सहायता भी दी जा रही है।